अगर कुछ मीठा खाने का मन करे और फटाफट से बनाना हो तो चुकंदर का हलवा बेस्ट ऑप्शन है। इसको इंस्टेंट बनाकर फटाफट से सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले नजर मारते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाएं चुकंदर का हलवा। एक पैन में एक चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें हमने दो बड़ी चुकंदर कद्दूकस करके डाली है। हमारी चुकंदर आधा किलो के करीब है। इसको हमने अच्छे से वॉश करके छील लिया है, फिर उसे कद्दूकस किया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसमें एक बड़ा गिलास दूध डालेंगे। हमने इसमें 400 ग्राम दूध डाला है। उबाल आने पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और पैन की साइड से भी छुड़ाते रहेंगे। पैन की साइड से छुड़ाने पर हलवा जल्दी गाढ़ा होगा। इसे हमने चौड़े बर्तन में इसीलिए बनाया है ताकि ये जल्दी से बन जाए। इसमें से दूध काफी हद तक ड्राई हो चुका है और चुकंदर भी पक चुकी है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने इसमें आधा कप चीनी ऐड करी है। चीनी ऐड करने के बाद जो पानी आएगा उसे भी सुखा लेंगे। तो हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इसको मैंने पूरी तरह से ड्राई नहीं किया क्योंकि इसमें मैं खोया ऐड करने वाली हूँ। और खोया यानी कि जिसे हम मावा के नाम से भी जानते हैं, उसे भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो खोया बनाने के लिए एक पैन में आधा कप दूध लेंगे और आधा कप ही मिल्क पाउडर। इसको धीरे धीरे चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अगर गांठे पड़ जाए तो लगातार चलाने से निकल जाएंगी। इसको धीरे धीरे लगातार चलाते रहने से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये खोए की शक्ल में आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे जिससे कि इसमें अच्छी सी चिकनाई आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये पैन से अलग होना शुरू हो गया है। तो हमारा खोया तैयार हो चुका है। तो अब हम चुकंदर में खोया ऐड करेंगे, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, इसमें हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाला है। इलायची पाउडर डालने से इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हमने इसमें सारा खोया ऐड नहीं किया, कुछ हमने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा चुकंदर का हलवा। आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपका चुकंदर का हलवा कैसा बना है हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।